मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर सरकार का बजट पेश हुआ। महापौर मालती राय ने 3,353 करोड़ का लेखा जोखा पेश किया, जिसमें आय और व्यय बराबर रहने के आसार है। बजट में आम जनता को राहत देते हुए टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है और इस बार के बजट में प्रॉपर्टी, जल या मनोरंजन टैक्स नहीं बढ़ाए गए। मध्य प्रदेश सरकार के बजट से पहले भोपाल में शहर सरकार का बजट पेश हुआ। मेयर मालती राय ने 3,353 करोड़ 16,000 का पिटारा खोला, जिसमें शहरवासियों के लिए कई राहतें दी गईं, साथ ही राजधानी के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए। शहर सरकार का बजट, महापौर ने पेश किया 3,353 करोड़ का बजट। बजट में प्रॉपर्टी, पानी और मनोरंजन पर नहीं बढ़ा टैक्स। पीएम आवास के लिए 40,000 रुपए का प्रावधान। अवैध से वैध की गई बस्ती के लिए 1,000,00,000 रुपए। बस्ती जल संरचना के सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। शहर के पार्कों के विकास के लिए भी 1,000,00,000 रुपए। शहर में हेरिटेज गेट बनाने के लिए भी 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके साथ ही निगम के बजट में कई प्रावधान किए गए। बजट पढ़ते हुए महापौर ने इसे शहर के विकास के लिए उम्दा बताया और बंसल न्यूज पर भी विकास का दावा किया। जनता के हिसाब से जनता को सौगात देने के लिए हमने बजट किया है। हमने ना ही कोई टैक्स लगाया है, ना ही हमने किसी तरह का जनता पर भार किया है। जनता के द्वारा जो नगर निगम की आय है, उसी आय को सम्मिलित करते हुए हमने ये बजट किया है और भोपाल की जनता को सौगात दी है कि उनको ऊपर कोई अधिभार नहीं लगाया। गुमटियों से परेशान है, गुमटियों से जब भी अतिक्रमण हटने के लिए मैंने आदेशित किया है आयुक्त महोदय को कि सारी गुमटियाँ हटा दी जाए। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी शहर सरकार के बजट को बेहतर बताया। ये बजट सभी दृष्टि से संतुलित है, शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, विकास उन्मुखी है। इस बजट में जहां नई सड़कों के मरम्मत और नवीन निर्माण के भी पर्याप्त राशि है, वहीं पार्कों के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि नगर निगम का ये बजट शहर के हित में है, विकास उन्मुखी है। बजट के बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्षदों ने शहर में अतिक्रमण, विकास न होने और मृत कर्मचारियों के पैसे निकालने पर सवाल पूछे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष सविस्ता जकी ने बजट को बोगस बताया। बजट का मतलब ये होता है कि पटल के ऊपर बजट बुक रखी जाए और उसकी फाइल रखी जाए कि इतनी देनदारियां बची हैं, इतनी लेनदारियां बची हैं, इतना ऋण है और इतना पैसे के हमारे टेंडर हो चुके हैं और इतने का पेमेंट होना बाकी है। ये होता है बजट, पहले एक पढ़े वो और उससे ना पहले वेरीफाई करें कि बजट का प्रावधान क्या है। देखिए बजट बिल्कुल बोगस है, कुछ नहीं होगा इसमें से। हंगामे के बीच महापौर ने बजट पढ़ा। 2024-25 के इस बजट में जनता को राहत दी गई, साथ ही पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, सभापति और महापौर की निधि में भी बढ़ोतरी की गई। हालांकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस बजट से खुश नजर नहीं आई, तो बीजेपी बजट को उम्मीदों का बजट बता रही है। मयंक दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।